क्षणश्चय कणश्चय विद्याम अर्थ च साधियेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। जिंदगी के हर पल में कुछ सीखना चाहिए, हर क्षण में कमाने का जरिया खोजना चाहिए। अगर वो पल चूक जाए तो शिक्षा से महरूम हो जाओगे, अगर क्षण चूक जाए तो खाली हाथ रह जाओगे। हर किसी की जिंदगी में एक नई कहानी है, एक नई सीख है और एक नया संघर्ष है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से सीख लेकर अपने सफल भविष्य के लिए संघर्ष करता है, तभी वो बनता है असली चमकता हीरा जिसके दीवाने आज हजारों हैं। कई जिंदगियां कामयाबी के सपने देखते ही रह जाती हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। मेहनत करने वाले तो हजारों मिलते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो कामयाब बने कैसे। ऐसे ही लोगों के लिए आई है एक ऐसी MLM कंपनी जिसने मेहनत करने वालों को दिया है एक ऐसा जरिया जिसे पाकर आज वे लोग कामयाब हो चुके हैं। साई गोल्ड इंडिया, ये बिजनेस नहीं कुछ और है। आज साई गोल्ड इंडिया से जुड़ने वाले हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। सन 2010 में शुरू हुई साई गोल्ड इंडिया ने आज भारत में MLM इंडस्ट्री के नए सूत्रों को छुआ है और सफलता के कई उदाहरण भी स्थापित किए हैं। इन सब का श्रेय जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने शुरुआती दौर में कंपनी का साथ दिया और आज कामयाबी के शिखर पर खड़े हैं। कामयाबी सिर्फ एक ही वजह से मिलती है और वो है आप खुद। अगर आप खुद को कामयाब बनाने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब बनाने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कामयाबी के लिए लगातार मेहनत करते रहें और सपनों को सच करने का दम रखें। एक ऐसे ही शख्सियत हैं अभिनव बंटा, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज कामयाबी पाई है और जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। कहते हैं अगर इंसान मन में कुछ करने की ठान ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पाने का जुनून वहाँ भी रास्ता बना देता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन उसके लिए जरूरी है सही रास्ते की तलाश। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं अभिनव बंटा, जिनकी मेहनत ने उन्हें आज कामयाब लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जन्मे अभिनव बंटा में बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी। कम उम्र में ही वे हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएं। पढ़ाई के साथ साथ अभिनव बंटा कुछ ऐसा रास्ता तलाशने लगे जो उनके फ्यूचर को नई दिशा दे सके। तभी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाने की ठान ली, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें यकीन था अपनी कामयाबी पर। लगभग 9 साल पहले मैंने अपना नेटवर्किंग का करियर स्टार्ट किया था, तो बहुत सी कंपनीज मैंने ज्वाइन की, क्योंकि वही बात है कि हर कोई अच्छी कंपनी की तलाश में होता है। तो मैं एक कंपनी ज्वाइन करता था, दूसरी करता था, क्योंकि कहीं भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। कहीं पे कोई सिस्टम बढ़िया नहीं लगता था, कहीं पे टीम सपोर्ट बढ़िया नहीं लगती थी, लेकिन साई गोल्ड इंडिया में आके मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्लस टू के बाद अर्निंग स्टार्ट कर दी थी और प्लस टू के बाद अपना खर्चा खुद करना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है या नेटवर्किंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा खर्चा होता है। तो हमने नेटवर्किंग के फेज में ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ की मीटिंग का टिकट जो होता था वो 10 रुपये होता था, लेकिन हमारी पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं होते थे। उसको स्ट्रगल हमने इतना ज़्यादा किया कि हमने वो फेज अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना था, लेकिन वही है कि अगर हम उस फेज से नहीं गुजरे होते तो शायद हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमें किस चीज़ से काम करना है। तो बहुत मुश्किल से कुछ ना कुछ काम करके, पार्ट टाइम काम करके, हम कहीं ना कहीं से इतना पैसा अर्न करते थे कि हमारा खर्चा जैसे तैसे निकल जाए। तो लेकिन आज स्टेज बिल्कुल डिफरेंट है। आज खर्च करते हुए कभी सोचना नहीं पड़ता, पैसा ज़िंदगी में नहीं है तो बहुत सी चीज़ें हम फेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैसा इतना ही बुरा होता तो शायद मंदिरों में नहीं चढ़ता। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे 99.9% इंडिया में, खासकर जितनी भी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, उसके पीछे एक रीज़न पैसा ही है। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि पैसा बुरा होता है, एक बार आप कमा के देखें, एक बार अर्निंग करके देखें। अगर पैसा बुरा होगा तो आप वापस गरीब बन सकते हैं, लेकिन गरीब से अमीर होना एक बार ट्राई तो कीजिए। कम उम्र में ऊंची सोच रखने वाले अभिनव बंटा की जिंदगी में कामयाबी का रास्ता बनकर आई साई गोल्ड इंडिया।
जिसने अभिनव बंटा के उन सभी सपनों को पूरा कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। आज अभिनव बंटा साई गोल्ड इंडिया में एक कामयाब नेटवर्कर हैं, जहां से इन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल की है और एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत से प्लान्स हमने किए, लेकिन वही बात है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती थी। तो देखने की बात यह है कि जैसे ही साई गोल्ड इंडिया हमने स्टार्ट किया, तो हमने इसको सिर्फ लाइटली लिया था कि पहले ही बहुत बिजनेसेस कर रहे थे, तो एक मन सा टूट गया था कि हमें इस बिजनेस में पता नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने इस बिजनेस को शुरुआत की, मुझे खुद नहीं पता ये बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा, क्योंकि जो भी बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी से बिल्ड किया जाएगा और जिस बिजनेस के पीछे बहुत मेहनती टीम का हाथ हो, वो बिजनेस ग्रो करता ही करता है। अगर मैं पिछले टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करूँ, जहाँ पर एक फेज ऐसा था जहाँ पैसे की बहुत कमी थी और आज फेज ऐसा है कि पैसे की कमी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहें मुझे कि अपने शब्दों में बयां करनी, तो खुशी इतनी है कि वो मैं बयां कर ही नहीं सकता। तो इतना पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर है कि आप खुद देखेंगे कि कितने लोगों की जिंदगी साई गोल्ड इंडिया से बदली है। तो मुझे भी साई गोल्ड इंडिया करते हुए ज्यादा नहीं, सिर्फ 6.5 महीने का समय हुआ है, लेकिन 6.5 महीने की अचीवमेंट इतनी ज्यादा है कि जो मैं पिछले 9 सालों से किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में अचीव नहीं कर पाया था। और अब साई गोल्ड इंडिया हमारी लास्ट MLM कंपनी है, इसके बाद हमें पता है कि हमें किसी और बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसकी अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो अभी सिर्फ साई गोल्ड इंडिया को सिर्फ 1 साल ही हुआ है, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो आने वाले फ्यूचर में अगर हम बात करें, अगले 3-4 सालों में साई गोल्ड इंडिया इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। आज साई गोल्ड इंडिया ने अभिनव बंटा की पूरी लाइफ को ही बदल दिया है। आज अभिनव बंटा अपनी फैमिली के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और बेहद खुश भी हैं। इसके साथ साथ आज अभिनव बंटा बाकी लोगों को भी साई गोल्ड इंडिया से जोड़कर उनको भी कामयाब बना रहे हैं। वाकई साई गोल्ड इंडिया से जुड़कर आज अभिनव बंटा एक अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी आम इंसान को सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे बड़ी चीज है उसके ड्रीम्स और उसकी कमिटमेंट। अगर उसके ड्रीम्स बहुत सॉलिड हैं जो से वो पूरा करना चाहता है, क्योंकि अगर ड्रीम्स की बात कीजिए, तो ड्रीम्स वो भी होते हैं जो हम रात को सोए हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें दिन को भी दिखते हैं और रातों को सोने नहीं देते। अगर हम ड्रीम्स के लिए काम करते हैं और फुल कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए, एक नॉलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए, वो भी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, क्योंकि नॉलेज अपने पास सिर्फ होना ही काफी नहीं है। अगर हम उस नॉलेज को लेकर आगे अप्लाई भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम आगे लाइफ में हो सकते हैं। ना पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका बच्चा तरक्की करे, तो कर रहा है वो, और हम बहुत खुश हैं। फंक्शन हुआ था, उस टाइम गाड़ी मिली, तो इसने हमें डेडिकेट किया कि ये मेरी मम्मी पापा की बदौलत है, तो हमारा सिर गर्व से बहुत ऊंचा हो गया। किसी भी काम के लिए इतना डेडिकेटेड है कि अगर कोई काम करने का सोच ले तो उसे थर्डली अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। साइन गोल्ड के थ्रू जो इसने सक्सेस पाया है, वो उसको देख के हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। जो भी काम करता है डेडिकेशन से करता है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सक्सेसफुल हो गया है और अभी छोटी सी उम्र है और इतनी तरक्की, बहुत अच्छा लगता है। जितना भी अगर किसी ने काम करना है, अगर फैमिली का ही सपोर्ट नहीं है, फैमिली में ही नेगेटिव माहौल है, तो इंसान के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर फैमिली पॉजिटिव है और फैमिली का फुल सपोर्ट है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि किसी को भी कोई आगे बढ़ने से रोक सकती है। जय साई गोल्ड। हमेशा जिंदगी में बहुत से रहस्य छिपे होते हैं। कोई इंसान ये नहीं जान सकता कि जिस सफलता की उसे तलाश है, वो कहां और कैसे मिलेगी। लेकिन यदि पूरी मेहनत और शिद्दत से कोई काम किया जाए, तो सफलता जरूर हासिल होती है। ये मिसाल सच कर दिखाई है एक ऐसी कामयाब जोड़ी ने, जिन्होंने अपनी मेहनत को कामयाबी में बदला है। आइए बताते हैं आपको रवि भारद्वाज और जियालाल शर्मा के बारे में। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम रोज कई मुश्किलों से गुजरते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरती है, वो है अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना और हर रोज उसे देखना। एक ऐसी ही जोड़ी है रवि भारद्वाज और जियालाल शर्मा की, जिन्होंने अपनी कामयाबी को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की शुरुआत की और आज उनकी गिनती एक सफल नेटवर्करों में की जाती है।
दोस्तों को बचपन से ही जागते हुए सपने देखना अच्छा लगता था। ये जो भी कुछ सोचते थे उसे पूरा करना ही इनका लक्ष्य बन जाता था। लेकिन इन्हें जीवन में कई कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ा, पर उनके जुनून के आगे कोई मुसीबत उन्हें हरा नहीं पाई। इन्हें पता था कि इनका भविष्य नेटवर्किंग में ही है। बस तभी इन दोस्तों ने मिलकर की एक ऐसी शुरुआत जिसने इनकी जिंदगी को बदल दिया। जब बैचलरशिप में थे तो लगता था कि चलो ठीक है, जो चल रहा है। लेकिन जब आपके पास कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, व्हेन यू हैव अ वाइफ, व्हेन यू हैव अ फैमिली, और आपको पता है कि उनको वो करना है, तो उस समय एक चीज़ लगी कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे रिलेटिव्स भी मेरे को देख कर भौचक्के रह जाएं और मेरी फैमिली भी मुझे बोले कि नहीं, नाउ यू आर डूइंग समथिंग। आज फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग, आज मुझे लगता है कि उस लेवल पे हम पहुंचने लगभग पहुंच चुके हैं। और फाइनेंशियल, आज मैं मार्केट जाता हूं, मुझे अगर कोई चीज़ परचेज करनी है, खरीदनी है, अपने घर वालों को गिफ्ट करनी है, कैन ईजिली, बिकॉज मुझे पता है आज मैं उस लेवल पे हूं। लेकिन उस लेवल पे पहुंचा कैसे? उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो मेरा ड्रीम था वो मेरे को वहां तक लेकर आया है। 2003 में मुझे, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरा था, प्रोफेशन से मुझे पता था कि इतनी जल्दी इनकम नहीं आती है, तो इनकम जो आएगी वो आती है बुढ़ापे में, जिस समय पैसे की ज़रूरत नहीं होती, ड्रीम फुलफिल करने होते जवानी में। लेकिन साइन गोल्ड इंडिया ने मेरे जो सारे ड्रीम्स थे, उस समय ड्रीम देखा था कि अपनी गाड़ी, अच्छी गाड़ी लेंगे, लेकिन आज मैं साइन गोल्ड इंडिया से फोर्ड फिगो गाड़ी लेके इंजॉय कर रहा हूँ। आज रवि भारद्वाज और जियालाल शर्मा की लाइफ बदल चुकी है और इनकी लाइफ को बदला है साई गोल्ड इंडिया ने, जिससे जुड़ने के बाद आज एक कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। साई गोल्ड इंडिया की बदौलत ही इनके सभी सपने पूरे हो चुके हैं। आज जियालाल और रवि भारद्वाज एक अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जिस समय कि कोई भी इंसान किसी कंपनी में आता है, उसका वो विजन स्टडी करता है। हमने भी स्टडी किया, एक फेथ हमें हुआ, फेथ होने के बाद हम लोगों को, जब फेथ हो गया, फेथ होने के बाद हम दिशा में काम करने लगे। हमारे पास दिशा मिल गई, हमारी दशा सुधरना शुरू होगी। मैं सेल्फ मोटिवेटेड इसी वजह से हूँ, क्यों? आई नो द विजन ऑफ द कंपनी, आई नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, ओनली देन आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। और आज मैं इसी टीचिंग्स को अपने नियर एंड डियर्स को, अपनी टीम में, हर एक बंदे को देता हूँ। सो थैंक्स टू साइन गोल्ड, नो डाउट, अगर साइन गोल्ड ना होता हो तो शायद आज भी हम, वी पीपल आर सर्चिंग समथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में साइन गोल्ड इंडिया विल बी द नंबर वन कंपनी, एंड हम लोग उसी स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं कि ताकि ये नंबर वन बने और आने वाले समय में इसको वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनेंगे। साइन गोल्ड में आया और बहुत अच्छा रहा, गाड़ी खरीदी, घर वालों को भी पैसा देता है और माँ बाप की सेवा करता है। जब से यहाँ आया तो इसको काफ़ी सफलता मिल रही है और हम भी इसमें खुश हैं, ये भी खुश है, मेरा ये आशीर्वाद है, इसके साथ भी खूब खुश रहे। साई गोल्ड में तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम तो यही करते हैं, साई गोल्ड का काम ही करते हैं, बट फिर भी इनसे मम्मी पापा की भी प्रॉपर केयर करते हैं, बेबी की भी, और मुझे भी जब भी ज़रूरत होती है कहीं पर भी तो पूरा हो करते हैं। हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, मैंने एक ही चीज़ कही थी कि 5 साल या 45 साल, तो 5 साल काम करना है, डट के करना है और उसके बाद पूरी लाइफ को इन्जॉय करना है। तो पूरी होम टीम हमारा पूरा सपोर्ट करती है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे ब्रदर्स सपोर्ट करते हैं, और टीम तो खैर करती है सपोर्ट। साई गोल्ड इंडिया को अपना फ्यूचर बना चुके आज इन दोस्तों की इनकम लाखों में है और अपनी कमाई से वो सभी चीजें खरीद चुके हैं जो हर आम इंसान की जरूरत होती है। आज रवि भारद्वाज और जियालाल शर्मा अपनी फैमिली के साथ एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। साई गोल्ड आज जो मेरा ड्रीम था कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाऊं, वो फुलफिल हो गया है। साई गोल्ड इंडिया से मुझे एक तो अच्छा सा बंगला बनाना है और एक बाबा बालकनाथ का मंदिर बनाना है। साई गोल्ड इंडिया से मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने जो भी सपने देखे थे अपने परिवार की खुशियों के लिए, वो सभी साई गोल्ड इंडिया से पूरे हो रहे हैं। जय साई गोल्ड। इस बिजनेस में आके हमारे सभी ड्रीम पूरे हो रहे हैं और ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, 2002 से मैं और राजू भैया इकट्ठे हैं। इनफैक्ट जिस दिन से हमने कलेक्टिवली एफर्ट्स करना शुरू किया है, बाबा जी ने हमको सब कुछ दिया है और आज ड्रीम क्या है कि अपने साथ जितने लोग जुड़े हैं, बाबा जी की उन पे भी मेहर रहे, आशुतोष महाराज जी की उन पे मेहर रहे, और वो सभी अपने ड्रीम्स अचीव करें जो भी वो देखते हैं। आज रवि जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है और हमेशा रात को 2 बजे भी आप किसी की हेल्प के लिए बोलेंगे तो उठ खड़े होंगे। मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह शुष्क जमीन, मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह शुष्क जमीन, प्यासे जो निकल पड़े हैं तो दरिया मिल ही जाएगा।